सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 28 वर्स 1, 2 और 22। जब आहाज राज्य करने लगा तब वो 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा और अपने मूल पुरुष दाऊद के समान काम नहीं किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इज़राइल के राजा की सी चाल चला और बाल देवताओं की मूर्तियां ढलवा कर बनाई। अब 22वीं पंक्ति पढ़ेंगे, क्लेश के समय राजा आहाज ने यहोवा से और भी विश्वासघात किया। क्लेश के समय आहाज ने यहोवा से और भी विश्वासघात किया और भरोसा नहीं किया और उसका भार परमेश्वर पर नहीं था। हम लोगों की लाइफ पे मनन कर रहे हैं और पर्सनली मैं बोलूं तो लाइफ स्टोरीज मुझे ज्यादा पसंद है। कोई भी स्टोरी हो ना, कोई भी शिक्षा में अगर स्टोरी के फॉर्म में, क्योंकि मैं शुरू से स्टोरी टेलर हूं, गॉस्पल्स प्रीच करने में बहुत मजा आता है क्योंकि गॉस्पल स्टोरीज है एनकाउंटर्स की, कौन है जीसस से एनकाउंटर हुआ। और लाइफ स्टोरीज और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग कोई भी लाइफ में खुद नहीं बना है। इस जीवन में हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी से प्रभावित हैं। कोई नहीं बोल सकता कि हम लोग बिना इन्फ्लुएंस के अपनी लाइफ में जी रहे हैं। हम माने या ना माने, चाहे या ना चाहे, हम इन्फ्लुएंस में जी रहे। बहुत से लोग, जैसे उदाहरण के तौर पे, लोग इन्फ्लुएंस के पावर को नहीं समझते। बहुत से लोग गलत रिलेशनशिप में, उसका एक इफेक्ट बताता हूं कि जब आपके लाइफ में वो व्यक्ति होंगे जो परमेश्वर नहीं चाहते, आप परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं करोगे, क्या लाइफ डल हो जाएगी, परमेश्वर की चीजों में आपका खिंचाव कम हो जाएगा। लोग अच्छे एग्जाम्पल्स के बाद भी बुरे निकल सकते हैं, अच्छे माता पिता होने के बाद भी खराब बच्चे निकल सकते हैं, अच्छी परवरिश होने के बाद भी बच्चे खराब हो सकते हैं, अच्छी सुविधा होने के बाद भी, लाइफ में ग्रेस होने के बाद भी लोग उस ग्रेस का गलत फायदा उठा सकते हैं। यहां एग्जाम्पल है एक आदमी का जो बहुत कम उम्र में राजा बना और 16 साल तक राजा बना, लेकिन एक बहुत बैड एग्जाम्पल, अभी तक हम लोग जितने पढ़े उनमें सबसे ज्यादा दुष्ट है। इसको यशाया ने, हम लोग उन पंक्तियों पे आएंगे बट मैं शुरुआत करूं, यशाया ने इसको बोला था जब इस पे संकट आया कि शांत रहो और परमेश्वर पर भरोसा करो। इसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं करके लोगों पर भरोसा किया, परमेश्वर भरोसा नहीं किया, इंसानों पे भरोसा किया और सिर्फ भरोसा नहीं किया, अपनी लाइफ उनके जैसी बना दी। जब हम किसी पे परमेश्वर से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं वो हमारे लिए रोल मॉडल हो जाते हैं और हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ उनकी जैसी बना देते हैं, उस संगति में अपनी लाइफ को उनके साथ जोड़ के। इस चर्च में जितने लोग आए और मैंने अद्भुत बात देखी कि कई लोग प्रभु से ज्यादा हमसे प्यार किए। मैंने हमेशा डांटा है, मतलब तुम उद्धार भी नहीं पाए, क्योंकि जो उद्धार पता है सबसे ज्यादा प्रभु से प्यार करता है। यहां इसको क्या एडवाइस थी, तुम शांत रहो और परमेश्वर पर भरोसा रखो। लेकिन यह आदमी गलत काम करता है परमेश्वर के विरुद्ध, अपने प्राणों के विरुद्ध और पूरे देश के लोगों के विरुद्ध। यह एक नेशनल श्राप था। एक होता है आदमी श्रापित है, वो अपने आप तक श्रापित है, एक होता है पारिवारिक श्राप। कई बच्चे ऐसे निकल जाते हैं ना, पारिवारिक श्राप हो जाते हैं। यह है राष्ट्रीय श्राप। ये आदमी इतना बुरा था कि राष्ट्रीय श्राप बन गया। ये इज़राइल का राजा कनानियों जैसा बन गया। इसने मूर्तियां बनाई, उनकी आराधना की, खाली वो नहीं, इसने परमेश्वर के सुलेमान के मंदिर में अलग वेदी लगा दी जहां दूसरे देवताओं की आराधना इसने मंदिर में की। इसने परमेश्वर के मंदिर को त्याग दिया। इसने हर पहाड़ों पे, ऊंचे स्थानों पे, और कितने लोगों ने नोटिस किया, जहां भी आप पहाड़ में जाओगे, जिस भी पहाड़ में चले जाओ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जगह बनी रहती है। इस बात को समझिए, हम लोग गाना गाते हैं ना, सबसे ऊंचे सिंहासन पर, मतलब सबसे ऊंचा क्या, स्वर्ग, राइट? लेकिन स्वर्ग में सबसे ऊंचे स्थान पर क्या है, यहोवा का सिंहासन है।
और शैतान हर वो चीज डुप्लीकेट करना चाहता है, क्योंकि उसके मन में क्या पाप आया कि मेरी आराधना ऐसी होनी चाहिए, मुझे उसका स्थान चाहिए। आप पृथ्वी में देखेंगे वही मॉडल डुप्लीकेटेड, हर ऊंचे स्थानों में मूर्तियों की आराधना होती है, देवी देवताओं की आराधना होती है। तो ये आदमी मंदिर को त्यागता है, ऊंचे स्थानों पे ऐसे देवी देवताओं को धूप जलाता है, इनको बलिदान देता है, हर हरे पेड़ों के नीचे। आपने पेड़ों में देखा, पेड़ों के नीचे मंदिर होते हैं, पेड़ों के नीचे लोगों के आराधना के स्थान होते हैं। ये इतना दुष्ट था, इसने अपने बच्चे मोलेक को दे दिया। मोलेक एक ऐसा देवता था कि बच्चे पैदा होते थे, जो मोलेक की सेवा करता था वो अपने बच्चे आग में डाल देगा, मोलेक के दोनों पांव के बीच में आग होगी, अपना जब पैदा हुआ बच्चा आग में डाल देगा। आज के टाइम में मोलेक की सेवा कैसे करते हैं लोग एबॉर्शन से? कोई बोलेगा हम तो मोलेक की सेवा नहीं करते, नहीं, आज के टाइम में लोग मोलेक की आराधना एबॉर्शन से करते हैं। उसको वही चाहिए, उसको आपका बच्चा चाहिए। तो मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि बहुत से बिलीवर्स भी, अब ये बात कोई बताता थोड़ी ना कि सुनिए हम एबॉर्शन कराएं, बताता है नहीं बताता, बहुत से लोग बताना पड़ता है, बहुत से लोग का मालूम चल जाता है, बहुत से लोग उस गिल्ट में हैं, बहुत से लोगों के डिलीवरेंस हुए हैं उस एबॉर्शन के बाद उस डिमोनिक स्पिरिट से। बट आप जब बच्चा गिरा देते हो, आप एक जान ले रहे हो और आपने सेक्रीफाइस किया, ये मोलेक को सेक्रीफाइस है। तो हम लोग जैसे जैसे दुनिया में रहते हैं इन्फ्लुएंस तो रहता है। आप टीवी में ऐड देखते हो ना, गोली खा लो, देखते हो ना, आपको ये बात मालूम है कि अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो बच्चा उड़ के तो आया नहीं, लॉटरी में निकला नहीं। और फिर हम लोग क्या बोलते, प्रभु मैंने लालच कर लिया, माफ करिए, लेकिन जान ले लेते हैं, लोगों को समझ नहीं आता, और फिर एक्सक्यूज देते हैं कि हमको तो बच्चा पालना पड़ेगा, अगर तुम्हारे माँ बाप ने ऐसा सोचा तो तुम होते ही नहीं। तो हम लोग जहां है उसका इन्फ्लुएंस तो है ना, कि कितना आसान है। और जो हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, दुनिया का प्रभाव तो दिमाग में रहता है। एक तो दुनिया का ये जो एक झूठ, बच्चे पालना बड़ा मुश्किल है, दूसरा आजकल का सिस्टम कि हर चीज कितनी महंगी है। मैं सही बात बोल रहा हूं? तो फिर वो काम मत करिए जिससे बच्चे पैदा होते हैं। कठिन बात है, लेकिन कोई सोच कर देखे कि इसने अपने बच्चे मोलेक को आग में दे दिए। तो आज के समय मोलेक की आराधना कैसे होती है? एबॉर्शन से। और इसके लिए पहले से मन बनाइए, इसीलिए फैमिली प्लानिंग परमेश्वर करते हैं। बात सोचिए ना, जैसा आपका विश्वास है वैसा आपका जीवन है ना। तो मोलेक को बच्चे आज भी अर्पित किए जाते हैं एबॉर्शन के द्वारा। तो आदमी क्या है, एक राष्ट्रीय श्राप बन गया, वो अपने आप को डिग्रेड करता है। और हमने पूरे इन राजाओं की कहानियों में एक पैटर्न देखा है, क्योंकि आप इसको दूसरे क्रॉनिकल्स में ही देखेंगे, क्योंकि दूसरे क्रॉनिकल्स में क्लियर लिखे ऐसे, क्यों, इतिहास लिखा जा रहा है। तो जब मैंने लास्ट टाइम भी बताया, जब पीछे मुड़ के कुछ देखोगे तो आप बता सकते हो मैंने ये किया इसलिए परमेश्वर ने ये होने दिया, राइट, मेरी इस गलती का ये फल था। तो हमने क्लियर पैटर्न देखा है कि जब जब आदमी परमेश्वर को त्यागता है उसके दुश्मन खड़े हो जाते हैं। आपका दुश्मन परमेश्वर का दुश्मन है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का दुश्मन आप पे हावी हो जाता है। और इसीलिए मैं बार बार एक बात बोलना चाहता हूं, अपनी सोच का विस्तार करिए। परमेश्वर के पास अनगिनत तरीके हैं हम लोग को अपने करीब लाने के, हम लोग को सबक सिखाने के, हमको डिसिप्लिन करने के, हम पर अपनी कृपा प्रकट करने के लिए। आमेन। अब देखिए, जिनको माँ बाप का प्यार नहीं मिला, ठीक है, परमेश्वर अलग अलग लोगों के द्वारा प्यार डाल देते जीवन में। आमेन। किसी के जीवन का एक दुख है, एक रिश्ता नहीं है, लेकिन प्रभु दूसरे रिश्तों से उसके जीवन में प्यार भेज देते हैं। हम लोग की जरूरतें अद्भुत ढंग से पूरी कर दे, किसके दिल में कहां किस बात के लिए भार डाल देते हैं। और कितने लोग ऐसा देखते हैं आम जीवन में, आप देखते हैं ऐसा। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप अगर परमेश्वर के बच्चे हैं और आप उस पर भरोसा करते हैं, आपकी टेस्टिमनी होनी चाहिए कि मेरी बहुत सी जरूरतें परमेश्वर ऐसी पूरी कर देते हैं। आमेन। बट हम लोग नेगेटिव सेंस में कि परमेश्वर तकलीफ लाते हैं, ये हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को चर्च में कभी सिखाया ही नहीं गया। हम लोग को परमेश्वर बचाते हैं, तुमको अमीर कर देंगे, तुमको बीवी दे देंगे और तुमको बच्चा दे देंगे, तुमको ये कर देंगे,
तुम फलोगे फूलोगे, तुम यही समझ में आता है। हम लोग को नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं समझ में आता है कि परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार, और जो आदमी उसकी योजना से बाहर जाए उसके जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां भी पैदा कर सकते हैं कि वह आदमी उसके सामने विनम्र हो जाए। आमेन। व्यक्तिगत रूप में मेरी समझ बहुत क्लियर है, परमेश्वर मेरे जीवन में बचपन से काम कर रहे थे। वो तब थोड़ी ना पैदा हुए जब हमको नया जन्म मिला, या उस दिन उन्होंने मुझे थोड़ी ना बचाने का सोचा जब मुझे नया जन्म मिला। ये तो सृष्टि की शुरुआत से पहले उन्होंने मुझे चुन लिया था। आमेन। और मेरी विपरीत परिस्थितियां मुझे परमेश्वर के करीब लाते कि मैं देखा, वो भी तो एक माध्यम थी। अगर हम टूटते नहीं, अपने आप पर भरोसा टूटता नहीं, अपने तरीकों से हम मुड़ते नहीं, पापों का पश्चाताप नहीं होता, तो हमको उद्धारकर्ता की जरूरत कहां थी। लेकिन विश्वास में आने के बाद तो बहुत से लोग जो टूट कर उस पर ईमान लाते हैं, अपने भरोसे में जीने लगते हैं। जैसे उद्धार उस पर भरोसा करके मिला है, ये जीवन भी उस पर भरोसा करके ही चलेगा। आप में से जितने लोग बहुत तकलीफों में अपनी बुद्धि लगाए, आपकी तकलीफ बहुत से बहुत ही बढ़ती रही है। जब आप ट्रस्ट करना सीखें, बिगड़ी बना दी प्रभु ने। कितने लोग ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं, हाथ उठाएंगे, जब आप खाली ट्रस्ट करना सीखे आपके। और ये भी हम लोग सीखते हैं, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता हम लोग प्रभु पे भरोसा करते हैं। क्या कोई भी शर्मिंदा हुआ आज तक जिसने प्रभु पे भरोसा किया? और इतनी बुरी अवस्था कि सालों से चल रही है, लोगों को लगता है ये बदल नहीं सकती, वो अवस्था भी बदल जाती है जब उस पर भरोसा करना सीखते हैं। कितने लोगों ने ऐसा देखा, ऐसा चमत्कार देखा अपने लाइफ में। अनचेंजेबल चीजें जो लगता है कि चेंज नहीं होगी, वो भी चेंज हो जाती है जब आदमी प्रभु पे भरोसा करना सीखता है। आमेन। इसको सिर्फ एक एडवाइस थी, शांत रहो और परमेश्वर पे भरोसा करो। इसके पहले भी आप अगर न्यायों की पुस्तक देखेंगे, जजस की बुक, तो प्रभु एक आदमी उठाते हैं जो इसराइल को लीड करता है। जब वो आदमी मर जाता है, लोग फिर वापस बैकस्लाइड कर जाते हैं। जब वो बैकस्लाइड करते हैं, उनके दुश्मन फिर उन पर कब्जा कर लेते हैं, फिर वो रोते हैं, फिर एक आदमी आता है, फिर उनको छुड़ाता है, फिर वो ठीक चलते हैं, फिर वो आदमी मर जाता है, फिर ये फिर अपने तरीके से जीने लगते हैं। इससे एक बात हम लोग सीखते हैं, नंबर वन, लाइफ में लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जीसस का रूल है सेल्फ गवर्नमेंट, कि परमेश्वर का राज मेरे दिल में है और ये अंदर से ही ये राज चल रहा है, तो हमको खुद मालूम होना चाहिए हमको क्या करना है, क्योंकि आत्मा हमारे अंदर है। आमेन। पर कितने लोग आज इस बात को समझते हैं, अच्छी लीडरशिप लाइफ में कितनी जरूरी है। क्योंकि हम पूरे बाइबल में देखते हैं कि एक लाइफ जो कॉन्सिक्रेटेड है, परमेश्वर के लिए अलग है, उसके उसका प्रभाव बहुत चेंज कर सकता है। आमेन। क्या इसको आज्ञा थी, इसको प्रोफेसी क्या थी? शांत रहो, परमेश्वर पर भरोसा करो। इसके दुश्मन खड़े हो गए। दुश्मन क्यों खड़े होते हैं? एक बात सोचिए, आपका दुश्मन परमेश्वर का दुश्मन, ऐसे सोच। कई बार कहते हैं दुष्ट लोग भी हम पे हावी हो जाते हैं, होता है सर, तो उनको क्या सामर्थ्य मिला कि वो हम पे हावी हो गए? ऐसा सोचना चाहिए ना। ये आदमी अपने आप को डिग्रेड करता है, और जब डिग्रेड करता है क्या होता है, इसके दुश्मन खड़े हो जाते हैं। अब इसराइल परमेश्वर का दुश्मन है। अब देखिए, मैंने बहुत क्लियरली इन स्टोरीज को समझाया, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला सुलेमान तक राज्य एक था, हमने पिछले हफ्ते देखा रहोबोम के समय राज्य दो भाग में बट गया। कितने लोगों ने उन कहानियों को बाद में पढ़ा बाद में? ओके, जो नहीं पढ़ा प्रभु उनको बहुत आशीष दे। रहोबोम के बाद ये राज दो भाग में बट गया। क्यों बट गया? कि परमेश्वर की दो बीवियां थी जो एक नहीं संभाल पा रहे। ध्यान से सुनिए, मतलब इसराइल को परमेश्वर ने त्याग पत्र दे दिया, डिवोर्स सर्टिफिकेट दे दिया। क्यों दे दिया? ये लोग परमेश्वर से मुड़ गए और दूसरे देवी देवताओं के पीछे चले गए, अपने अगल बगल के राष्ट्रों के अनुसार हो गए। तो इनको परमेश्वर ने क्या दे दिया? इनको परमेश्वर ने बंधन में दे दिया। जब इसराइल को असीरिया के लोग बर्बाद करते, ये तितर बितर होते, ये कभी भी आज तक नहीं आए हैं। अभी इसराइल कौन है? यहूदा का घराना, जो दक्षिण का राज्य था, क्योंकि ये राज्य को भी, ये भी इसराइल की तरह जाता है। और 70 साल बाद लेकिन इनको प्रभु वापस ले आते हैं इनके बंधन से। तो जो उत्तर का राज्य है इसराइल, वो परमेश्वर का दुश्मन है। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? यहूदा अभी परमेश्वर का राज्य है। क्यों? क्योंकि सिंहासन दाऊद को परमेश्वर ने दिया है, ठीक है? जो परमेश्वर का दुश्मन है, वो दुश्मन जब हम पे हावी होने लग जाए, तो समझ में आना चाहिए हम गड़बड़ी कुछ कर रहे हैं। तो इसराइल और सीरिया मिलके आक्रमण करते हैं,
यहूदा पे, क्योंकि वो चाहते हैं यहूदा भी मिलके उनसे असीरिया से लड़े, अयोध्या भी उनके साथ मिले, आक्रमण करते हैं। और इसको एडवाइस कहती तुम शांत रहो और भरोसा करो, लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। ये असीरिया के जो राजा होता है उससे संधि करता है ताकि वो राजा इसके लिए लड़ सके। दूसरे राजाओं की 16 अध्याय के 7वीं पंक्ति मैं पढ़ रहा हूं, 2 किंग्स चैप्टर 16 वर्स 7। अतः आहाज ने दूध भेजकर अशूर के राजा तिग्लत्पिलेसर के पास कहला भेजा, मुझे अपना दास वरन अपना बेटा जानकर चढ़ाई कर और मुझे आराम के राजा और इज़राइल के राजा के हाथ से बचा ले जो मेरे विरुद्ध लूटे। ये आदमी परमेश्वर के सामने नहीं झुकता, ये आदमी इतना डिग्रेड हो गया कि अपने आप को स्लेव बना लेता है एक दूसरे देश के राजा को, बोलता है मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा सेवक हूं। मतलब इतना फुलिश और इतना वीक किंग उस थ्रोन पे बैठा हुआ था, इसने अपना आत्मसम्मान खो दिया। मतलब एक आदमी की पहचान होती है उसका आत्मसम्मान, और बहुत ध्यान से सुनिए, दूसरे सम्मान तो बात है, अगर आत्मसम्मान नहीं हो तो जीवन बहुत खराब होता है। जिसको अपना सम्मान नहीं है, जिसने अपने आत्मसम्मान खो दिया, ये अपने आप को एक स्लेव की तरह उस राजा को दे देता है और अपने को, अपने राज्य को, अपने लोगों को गरीब कर देता है। अब हम आते हैं यशाया 7:3-11 में। यशाया 7 का जो यशाया की भविष्यवाणी थी, हम 4वीं पंक्ति पढ़ेंगे, ठीक है। और उससे कहा सावधान और शांत हो, और उन दोनों धुएं निकलती लुकटियों से अर्थात रसीन और अरामिया के भड़के हुए कोप से और रमालिया के पुत्र से मत डर, और ना तेरा मन कच्चा हो। तो परमेश्वर का वचन क्या आया इसको, तुम डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा नहीं हो। सिर्फ परमेश्वर चाहते थे कि ये राजा परमेश्वर पर भरोसा करे। इसको एडवाइस थी इस जवान राजा को, तुम परमेश्वर पर भरोसा करो। लेकिन ये परमेश्वर पर भरोसा करने के बावजूद क्या करता है, मंदिर के सोना चांदी, अपनी ट्रेजरी से सोना चांदी लेके उस राजा को देता है। ये मंदिर की दीवारों से सोना चांदी निकाल के, सामान निकाल के उसको सोना चांदी देता है और बोलता है मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा दास हूं, मुझे बचा लो। अब नेक्स्ट, ये जब असीरिया का राजा इसराइल और उनको आरोमी को हरा देता है तो ये वहां जाता है और दमिश्क में उसकी वेदी देखता है। उसको उसको उस देवी देवताओं की वेदी बहुत पसंद आती है, तो याजक को बुलाता है, बोलता है ये वेदी हमको यरूशलेम में बना के दो। तो उस समय जो याजक होता है यूरिया, वो जाके जैसी ये बोलता है वेदी, वो जाके उसको यरूशलेम में बना देता है। ये उस वेदी को, परमेश्वर की जो ब्रॉन्ज की वेदी थी, जो ऑल्टर जहां हम लोग मंदिर में प्रवेश करने से पहले जब प्रेयर करते, जो ऑल्टर सेक्रीफाइस का जो ऑल्टर है, उसके बीच में डाल दी वेदी, मंदिर प्रभु के मंदिर के सामने उस जगह में ये अपनी वेदी लगा दी। और इसने दूसरी वेदी भी रखी। कई लोग ऐसे बिलीवर्स हैं, पहले अपना दुनियादारी पूरा कर लेंगे, कुछ काम नहीं बचा तो बोलेंगे हम तो प्रभु के भी हैं, हमने प्रभु को छोड़ा थोड़ी ना। फिर इसने मंदिर में आराधना बंद करा दी, गेट बंद करवा दिए, याजकों का घुसना बंद करा दिया, मंदिर में जो दिया जलता रहता था उसको बुझा दिया, और वहां दोनों वेदियां पड़ी हुई है। अब देखो उस समय का जो याजक था वो भी ऐसा ही था, वो परमेश्वर के ऊपर राजा की बात को रखा। हमने देखा जब यूजाया के समय जो मंदिर में घुस जाता है, याद है, और मंदिर में घुस के वो जो धूपदान अपने हाथ में ले लेता है, और उसी समय याजक बड़ी जोर से गुस्सा होता है और उसको क्रोध आ जाता है याजक की बात से, और उसी समय उस पर कोड़ आ जाता है। लेकिन यहां याजक भी वैसा ही है। दूसरा क्रॉनिकल्स की 28:23 पंक्ति पर लिखा है कि ये दमिश्क के देवताओं को, अब इसको ध्यान से सुनेंगे पढ़ेंगे, इसका मोटिव क्या था, उसने दमिश्क के देवताओं के लिए जिन्होंने उसको मारा था बलि चढ़ाया, क्योंकि उसने ये सोचा कि अरामी राजाओं के देवता ने उनकी सहायता की तो मैं उनके लिए बलि चढ़ाऊंगा कि वो मेरी सहायता करे, परंतु वे उसके और सारे इज़राइल के लिए पतन का कारण हुए। वो बोल रहा है कि ये देवता ज्यादा पावरफुल है, इसने हमको हराया है, तो बता हम भी इसके आराधना करेंगे कि ये हमको
सहायता करे, और यही उसके पतन का कारण बना। तो देखिए, ये अमीर था, ये स्ट्रांग था, ये गद्दी पे था, इसके पास अच्छे एग्जाम्पल्स थे, इसके समय में राज्य ठीक था, राज्य में मंदिर ठीक था, लेकिन ये इतना करप्टेड था, ये इतना बुरा एग्जाम्पल था कि इसने मंदिर खराब कर दिया, देश खराब कर दिया, दूसरे राजा का दास बन गया, जिसने भी इसको बहुत कष्ट दिए। इसके कारण कितने लोग इज़राइल के मर गए, कितने घर बर्बाद हो गए। इसको एक ही कमांड था, शांत रहो और परमेश्वर पर भरोसा करो। शांत रहो और क्यों, परमेश्वर पर भरोसा किया जा सकता है। आज जितने लोग बैकस्लाइड किए, ये वही लोग किए जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। जितने लोग परमेश्वर भरोसा नहीं किया, विपत्ति आई, परमेश्वर की तरफ नहीं मुड़े। काम में संकट है, परिवार में संकट है, परमेश्वर की तरफ नहीं मुड़े, अपनी बुद्धि का सहारा लिया, दुनियादारी में जो सीखा उसका सहारा लिया। लोग जो अगल बगल के बोल रहे थे वो सुना, जो परमेश्वर का वचन चर्च में सुन रहे थे उस पर ध्यान नहीं दिया। कितने ऐसे लोग हाथ दिखाएंगे अपने, परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया, और उसका कितना लाइफ में कितना बड़ा उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लोगों के साल बर्बाद हुए, जीवन खराब हुए, परिवार बर्बाद हुए, करियर खराब हो गए, इतनी ऐसी तकलीफें आ गई जिनको पीछे जाके ठीक नहीं कर सकते। परमेश्वर पे भरोसा क्यों करो, क्योंकि वो भरोसा करने के लायक है। परमेश्वर पे भरोसा क्यों करो, जिसने उस पर भरोसा किया वो कभी शर्मिंदा नहीं हुआ। परमेश्वर पे भरोसा क्यों करो, क्योंकि वो चाहता है कि तुम उस पर भरोसा करो, क्योंकि विश्वास ही से आदमी धर्मी ठहराया जाता है। हमें से कई लोग हम टूट कर परमेश्वर पे भरोसा किए थे, लेकिन फिर अपनी बुद्धि से जीने लग गए, दुनिया समाज के तरीकों से जीने लग गए। अब देखिए, बहुत से लोग के लिए समाज क्या बोलता है बहुत मूल्यवान है। आप खुलकर प्रभु के पीछे नहीं चलते हो, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे। आज जिसकी भी जो भी परिस्थिति है, जो परमेश्वर पर भरोसा करेगा उसको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। जो परमेश्वर पर भरोसा करता है उसको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आज कोई है जो बोलेगा नहीं प्रभु हम आप पे ट्रस्ट करेंगे, मेरे सामने ये प्रॉब्लम है, मेरे सामने ये चुनौती है, आज तक हमको खाली हार मिली है, मेरे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा, बट हम आप पे ट्रस्ट करेंगे, हम अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेंगे। हम वो लोग जो ज्यादा पैसे वाले हैं, वो लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो लोग जो संसार में ज्यादा समझदार है, हम उनका सहारा नहीं लेंगे। हर जन कोई पावरफुल ढूंढता है ना, ये भी एक पावरफुल राजा जाके ढूंढ लेता है, और ये खाली राजा नहीं ढूंढता है, ये उसके जैसा बन जाता है। आपने कभी देखा है जिन पावरफुल लोगों पर आप भरोसा करना चाहते हैं वो आपको अपने जैसा बना देते हैं। कई बार वो शर्त ही रखते हैं, कई बार वो क्या शर्त रखते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन तुम ये सब छोड़ो। होता है ना ऐसे, तुम जो ये कर रहे हो ये सब छोड़ो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। परमेश्वर पर भरोसा करो, क्योंकि वो भरोसा करने के लायक है। कोई जो उस पर ईमान लाया कभी भी शर्मिंदा नहीं हुआ। हालेलुया। आदमी का लाइफ में एक पैटर्न होता है, प्रभु को जानने के बाद उसको कई बार टूटना होता है, क्योंकि एक नेचुरल टेंडेंसी, हम कुछ करेंगे हम अपने तरीके से करेंगे। मिनिस्ट्री में भी यही होता है, लोग सेवा करना चाहते अपने तरीके से करते, हारते हैं, फिर उनको लेसन मिलता है अपने ऊपर भी भरोसा नहीं करना। अरे डुबाने के लिए हम लोग को कोई और नहीं चाहिए, हम लोग खुद ही काफी है। हम लोग डुबाने के लिए अपने आप को खुद ही काफी, हम लोग को कोई और नहीं चाहिए, कोई बैड एग्जाम्पल नहीं चाहिए। क्योंकि जिसका ईगो है, ये विश्वासी जीवन सेल्फ कॉन्फिडेंस से नहीं चलता है। ये जो मोटिवेशन हम लोग सुनते हैं ना, तुम कर सकते हो, तुम में बात है, तुम बढ़ोगे, तुम आगे वो करोगे, विश्वासी जीवन ऐसे नहीं चलता है। विश्वासी जीवन परमेश्वर पे भरोसे से चलता है। सेवा कभी नहीं होती कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं, सेवा है कि प्रभु यीशु मेरे द्वारा क्या कर सकते हैं, और वो तभी करेंगे जब हम टूट जाते हैं, जब हम अपने तरीकों से थक जाते हैं। सिर्फ एक इसको परमेश्वर का वचन था, शांत रहो, संयम रखो और प्रभु पे भरोसा। कितने लोगों ने पिछले 2-3 साल में प्रभु पर भरोसा करके कितनी चीज चेंज हो गई, जो नहीं बदल सकता था लाइफ में भी चेंज हो गया। भरोसा करो, कुछ काम नहीं कर रहा, आप बोलोगे कुछ काम नहीं कर रहा,
मेरी कोई कोई चीज मेरे हिसाब से नहीं चल रही, तंगी है, तकलीफ है, हम सालों से घिरे, लगता नहीं हम निकल पाएंगे। प्रभु पे भरोसा करो, वो तुमको शर्मिंदा होने नहीं देंगे। आमेन। अपने आप पर भरोसा मत करो। अगर देखो भरोसे का प्रतीक क्या है, प्रार्थना। जब हमको परमेश्वर के तरीके समझ नहीं आते तो सबसे पहली चीज क्या खत्म होती, प्रार्थना। लेकिन जिस व्यक्ति को ये लेसन मिल गया लाइफ में कि उसके बिन हम कुछ भी नहीं है, हम अनुग्रह से जीते हैं, उसकी मदद ना मिले तो मेरी लाइफ क्या है, हम ट्रस्ट करते, इसका पहला साइन क्या होगा, हम प्रार्थना करना सीखेंगे। और आप ये नहीं बोलोगे ना फिर मैं बिजी हूं। आपको मालूम है एक जगह जहां आप रो सकते हो, आपको मालूम है एक जगह है जहां आप अपनी तकलीफ परमेश्वर को बता सकते हो। और मैं तो आज इतनी सी बात बोलना चाहता हूं, बता के देखो। आमेन। कई बार हम लोग अनबिलीफ से स्ट्रगल करते हैं कि हम विश्वास नहीं कर पा रहे, ये भी प्रभु को बताओ कि प्रभु मेरे अविश्वास में मेरी मदद करिए, मेरी अविश्वास की अवस्था में मेरी मदद करिए। हालेलुया। वो व्यक्ति जो भरोसा करता है वो प्रार्थना करना सीखता है। तो कितनी जगह लाइफ में हम लोग हेल्पलेस है कि नहीं, हेल्पलेस है। तुम्हारे लाइफ के चैलेंजेस में, रिलेशनशिप के चैलेंजेस में, हमारे पढ़ाई के चैलेंजेस में, हमारे काम के चैलेंजेस में, हमारे फाइनेंसेस के चैलेंजेस में, ये एक्नॉलेजमेंट कि प्रभु जो है आप ही से है और आपके बिना चल नहीं सकता, हम आप पे निर्भर है। दूसरा, जो आदमी परमेश्वर भरोसा करता है फिर वो बुराई से बचने की कोशिश करेगा, वो बुराई से भागेगा, बुराई से बचने की कोशिश करेगा, वो अपने जीवन में परमेश्वर को पहले रखना चालू करेगा। आमेन। परमेश्वर को दूसरा स्थान नहीं चाहिए। हम पहला कमांडमेंट अपने परमेश्वर से अपने पूरे दिल, पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि से प्यार कर। आमेन। उसको फर्स्ट प्लेस देनी है, उसको वो ऑनर देना है। तो जो व्यक्ति भरोसा करेगा, विश्वास करेगा, प्रभु के सहारे जीना चालू करेगा, वो प्रार्थना करेगा, वो गलत चीजों से, गलत दोस्ती से, गलत जो भी दुष्टता है, जो भी पाप का रास्ता है, उससे बचने की कोशिश करेगा, उससे भागेगा, वो परमेश्वर को पहला स्थान देगा। वो अपने आप को वचन से जांचेगा। वचन बहुत कठिन है। जो वो वचन पढ़ेगा, अपने आप को वचन से जांचेगा कि वो खरा है कि नहीं, उसकी लाइफ सही है कि नहीं। नेक्स्ट बात, वो पवित्र आत्मा का आवाज सुनेगा। जब आदमी शारीरिक हो जाता है, उसकी आदत हो जाती है अपने मन के करने की, वहां भी टूटी अवस्था में यदि वो परमेश्वर के पास जाए, बोले प्रभु मेरी मदद करिए, मेरी सहायता करिए, हम आप पर भरोसा करते हैं, मेरे 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 इस बंधन को तोड़िए। और आखिरी बात, उसकी लाइफ में एक रेस्ट दिखेगा। क्यों आप नहीं मचल रहे? बहुत सी चीजें आपके हाथ की बाहर है। कितने चीजों से पहले आप परेशान थे, कितने चीजों से आप नाराज थे, कितनी जगह आप संघर्ष कर रहे थे, आपको रेस्ट क्यों मिला? फिर ये रेस्ट साइन है ट्रस्ट का। आमेन। कि वो संभालेगा, वो संवारेगा और उभारेगा। आमेन। क्या हम लोग आज प्रार्थना करके अपना जीवन वापस परमेश्वर के हाथों में दे सकते और बोल सकते, नहीं प्रभु आज से हमको भरोसे की लाइफ जीनी है, अब हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, हम अपना ईमान आप पे लाते हैं, हम अपनी बुद्धि के सारे नहीं जीना चाहते। यदि आपके कदम पाप में फिसल गया, पश्चाताप कर सकते हैं आज, बल्कि प्रभु हमको उस रास्ते नहीं जाना। अगर आप कमजोर हैं, आप वो पाप आप पे इतना हावी हो गया कि आप उससे नहीं निकल पा रहे, क्या आपने कभी उसके सामने उसका नाम पुकारा है, बोला है प्रभु हमको बचा लीजिए? जब आप पुकारोगे तो आप देखोगे परमेश्वर कैसे आपको बचा लेते हैं, परमेश्वर कैसे उस पाप से बचा सकते हैं जिससे आपको लगता भी नहीं कि आप निकल सकते हो। हालेलुया। क्या हम प्रार्थना के लिए तैयार हैं अपने आप को प्रभु के हाथों में देने के लिए?